तो यही वो एक कसीनो है, सुपरमार्केट है, जहाँ अनफॉर्चुनेट सीन हो गया, जहाँ मेरे दोबारा आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो दोस्तों जिस बात का डर था वही हो रहा है, मेरी फेवरेट जगह जो आपको पता है, जो पिछली वीडियो में देखा होगा, वो पानी एटलीस्ट जो सरफेस था ये ब्रिज का वो दिखाई देता था। हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि एकदम बढ़िया होंगे। लास्ट में गया था स्ट्रासबर्ग और उस वीडियो में आप लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, काफ़ी लाइक दिया, काफ़ी प्यार दिया, उस सब के लिए तहे दिल से शुक्रिया। और थैंकफुली स्ट्रासबर्ग का मौसम काफ़ी अच्छा था, मतलब बारिश नहीं थी, मौसम तो ऐसी था, ब्लंट था। यहाँ तो देखो बारिश भी हो रही है हल्की हल्की सी, तो वो एक अच्छी चीज़ थी यार। तो इसी चक्कर में पूरा स्ट्रासबर्ग एक्सप्लोर कर पाए, और एक दो दिन से ऊपर ज़रूरत भी नहीं है पूरा घूमने के लिए। मैं तो यार 4 घंटे के लिए जाता हूँ, मतलब एक पेरिस से एक शहर से दूसरे शहर जाता हूँ, 4-5 घंटे में भी जितना एक्सप्लोर करना है मैक्सिमम चीज़ एक्सप्लोर करके आ जाता हूँ। तो बस वापस आ गया, अब शायद जा रहा हूँ, एक्चुअली सुबह सुबह जा रहा हूँ बैंक में। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी बस आ गई क्या? अरे यार नहीं आई, चलो शुक्र। तो एक्चुअली क्या हुआ, मैं कपड़े धोए थे और कपड़े में से अचानक से 50 यूरो निकले, तो जो यार खुशी बड़ी मिलती है, पैसे मिलते ना, जो है भूले हुए पैसे हो, गिरे हुए पैसे हो, जैसे मर्जी, और अलग ही खुशी है इस चीज़ की, चाहे सैलरी है जो मर्जी है। तो वो बस पैसे मिले और 50 यूरो के आसपास है, दो वो 3 10 के नोट हैं और 1 20 का नोट है। तो मैं जाऊँगा सबसे पहले छूटने से, मैं सोच रहा हूँ बैंक में डिपॉजिट करूँ, क्योंकि जेब में पड़े रहेंगे तो गारंटेड मैं खर्च कर ही दूंगा कहीं ना कहीं, बैंक में आता है एटलीस्ट सेफ रहता है। तो मैं जा रहा हूँ बैंक में इस टाइम पर, और बैंक में डिपॉजिट करूँगा, फिर हम बढ़ते हैं अपने दिन की और काम पर। तो बैंक में मैंने फाइनली पैसे डाल दिए, यही मेरा सड़ा हुआ बैंक है, जो साले बदतमीज़ से मुझे सीधा करना पड़ता है कभी कभी। मेरा साउथ ऑफ फ्रांस में सेम बैंक था यार, वो लोग तो इतना अच्छे थे, इतने हेल्पफुल थे, ये तो भाई पता नहीं इनका अलग ही एटीट्यूड लगता है, जैसे सोचते हैं कि भाई रिजर्व बैंक के जो हेड है वही है कुछ, सारे लोग इससे ज़्यादा मैं इनके मुँह नहीं लगता। पहले जो यहाँ पर भी अच्छे स्टाफ थे, एक लड़की थी अच्छी सी, वो काफ़ी हेल्पफुल थी, एक अफ्रीका मुल्क की थी, वो चली गई है, अब दूसरी जो आई है वो तो भाई से तो बात ही, मैं तो शक्ल देखना पसंद नहीं करता, पता नहीं क्या घर से एटीट्यूड ले कहते हैं। खैर जो मर्जी हो, पैसे डिपॉजिट कर दिए, आप बढ़ते हैं काम की, और काम भी यार हल्का से पेंडिंग पड़ा है मेरा, देखना पड़ेगा इन्वेंट्री क्या क्या है कुछ। तो उसके बाद हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करेंगे जब ब्रेक मिलेगा या फिर जब शाम को होगी। तो दोस्तों जिस बात का डर था वही हो रहा है, मेरी फेवरेट जगह जो आपको पता है, जो पिछली वीडियो में देखा होगा, वो पानी एटलीस्ट जो सरफेस था ये ब्रिज का वो दिखाई देता था, आज तो सरफेस भी नहीं दिख रहा। इनफैक्ट आप इधर आगे देखें तो भाई पानी पूरा रास्ते तक घुसा चुका है, और अभी अलर्ट आ रहा है कि और पानी ऊपर आएगा। तो मुझको लगता है शायद अगर जिस तरह बारिश हो रही है तो ये एरिया भी लोगों को लगता है पानी की चपेट में आ जाएगा, तो काफ़ी डेंजरस सिचुएशन हो रखी है। तो हम यहाँ नहीं चलते, हम दूसरी जगह चलते हैं अपने ब्लॉक के लिए। तो यही वो एक कसीनो है, सुपरमार्केट है, जहाँ अनफॉर्चुनेट सीन हो गया, जहाँ मेरे दोबारा आने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। क्या हुआ मैं बताता हूँ बाहर निकल के, लेकिन जो भी हुआ आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ किसी के साथ ऐसा ना हो, बड़ा ही खराब हिस्सा हुआ। तो गाइस हम आ चुके हैं कसीनो और सुपरमार्केट के अंदर, आप देख सकते हैं कितना बड़ा है, ऑलमोस्ट एक 2 फुटबॉल फील्ड एरिया जितना बड़ा है। यहाँ पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट नहीं जो आपको शायद नहीं दिखाई देगा, एक एक चीज़ है यहाँ पे। और यहाँ पे लीडर प्राइस का जो सेक्शन है वो हमेशा चीप वर्जन होता है, ज़्यादातर सेल पे होता है या डी स्टॉकेज होता है। तो हम कुछ ना कुछ लेंगे, मुझे टूथब्रश ये सब भी लेना था बस अभी, लेकिन अभी हमें चाहिए थोड़ा अच्छा वाइन भी चाहिए। यहाँ पे वाइन की कलेक्शन इनकी बहुत अच्छी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं आपको ले कर चलता हूँ वाइन सेक्शन पे, आप देख सकते हैं क्या क्या कलेक्शन है। अरे भाई साहब, एक एक प्यारी प्यारी वाइन, हर रीजन की इतनी अच्छी अच्छी वाइन्स हैं यहाँ पे, समझ ही नहीं आता इंसान को ले तो कौन सा ले। मुझे ज़्यादातर रेड वाइन्स पसंद है, बट अभी देखता हूँ शायद रोज़ कलर भी ले लेता हूँ मैं, कौन सा लूँ यही तो समझ नहीं आ रहा। तो आपको कहानी तो समझ आ गई होगी, तो भाई बहुत बुरा हाल हुआ वहाँ पे, जब मैं टूट गया ना तो भाई एकदम से ऐसा शोर हुआ, सब पलट कर देखने लग गए, और ऊपर से जब शराब गिरती है वैसी हैवी रेड वाइन जब गिरी थी तो भाई बहुत गंदी स्मेल आने लगी। हुआ यू ना, एक्चुअली बहुत नायाब सी वैसे, मतलब नायाब नहीं, बहुत प्यारी सी वाइन बॉटल थी, तो मैं कहा यार चलो देख। तो हालांकि मेरा मन बिल्कुल नहीं था, बट मैं बस सिर्फ देखने के पर्पज़ से मैंने छुआ, और मैं बस ब्लॉग भी बना रहा था, साइड में स्लिप हो गया, मतलब निकालते निकालते शेल्फ से, और वो बगल वाली टूट गई। भाई मुझे इतना बुरा लगा, मैं फिर वहाँ पर बंदा आया, मैंने बोला यार मुझसे टूट गई, वैसे पैसे ले लो। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप जाओ, मतलब पैसे गंदे से शक्ल लें, जाओ जाओ।
मैं समझ गया चिढ़ गए गंदे वालों की, उनको मेहनत करनी पड़ रही है, सफाई करनी पड़ेगी, और अलग से की बोतल है पूरी, आपको जिसने वाइन स्पिल कैसे होता किसी ने देखा नहीं है, मैं रेफरेंस की एक वीडियो डाल देता हूँ। ऑब्वियसली मैं उस पर वीडियो तो बना नहीं सका, लोग बोलेंगे भाई एक तो यहाँ पर कांड कर चला गया ऊपर से वीडियो बना रहा है, तो मैं वीडियो बना के दिखाता हूँ आपको ये कैसे इंटरनेट से रेफरेंस पर्पज के लिए। तो देखा आपने कैसे ये बेकार हो जाता पूरा पूरा फ्लोर, फिर मैं जो लेने गया था वो भी ले नहीं पाया, मतलब इतना मन ऐसे घबराने लग गया, एकदम दिल धक धक कर रहा था धक धक धक, तो फिर मैं चुपचाप निकला यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा था, मैंने बोला आप ऐसे ले लो, उन्होंने बोला नहीं जाओ। हाँ ऐसा भी सीन होता कभी कभी, तो फ्यूचर में अगर इनके साथ ऐसा भी कोई सीन हो तो बस घबराना नहीं, अपनी गलती को एक्सेप्ट करो कि यार मेरे से होगी, मैं इसका भुगतान कर दूंगा, तो आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर वो चाहते तो वो ऐसे ले सकते थे, मैं विलिंग भी था देने को कि भाई गलती मेरी है, कोई नहीं यार ले लो, अब मैं क्या कर सकता हूँ, बट उन्होंने छोड़ दिया। बट ये मैं 1.5-2 महीने के लिए इस मार्शे में नहीं आऊँगा भाई, तो शक्ल याद रख ली होगी उन्होंने मेरी पक्का, अब आऊँगा मैं शायद किसी और टाइम पर आऊँगा या किसी और को भेज दूँगा कि भाई तुम जाके लेकर आओ मेरे लिए। तो बस यही था व्लॉग में, उम्मीद करते हैं कि आपका दिन अच्छा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें अगर आप नए, तो बाकी तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।